So a very common problem people face is vaginal itching and white discharge. This is usually because of a yeast infection or a candidal infection. Now, the problem with a yeast infection is that it is recurrent, वो बार बार होती है और एक बार treat होने के बाद भी फिर से हो सकती है उसको it takes a long time to totally go from your body. तो उसको लंबा treatment चाहिए होता है. Now, usually yeast infection के क्या reasons है जिससे होती है moisture या फिर high sugar intake या आपने अगर antibiotics का course किया होता है तो उसके बाद आप ज़्यादा प्रोन हो जाते हो यीस्ट इन्फेक्शन के लिए. ऑल्सो अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है या आपको PCOD है देन ऑल्सो यू आर मोर प्रोन टू गेटिंग रेकरेंट फंगल इन्फेक्शन. यूजुअली इसका ट्रीटमेंट होता है कि हम थोड़े से एंटी फंगल ऑइंटमेंट्स देते हैं और टैबलेट्स देते हैं. होम बेस्ड आप ट्रीटमेंट इचिंग को रिलीव करने के लिए आप कोकोनट ऑयल या होम बेस्ड रेमेडीज यूज कर सकते हैं बट इट इज़ समटाइम नॉट वेरी इफेक्टिव. आप उसको प्रिवेंट जरूर कर सकते हैं बाय जस्ट सिंपल मेजर्स ऑफ कीपिंग द एरिया ड्राई, ऑलवेज क्लीनिंग फ्रॉम फ्रंट टू बैक. व्हेनेवर यू वॉश योरसेल्फ यू शुड डैब योरसेल्फ ड्राई. कीप डू नॉट वेयर सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स और टाइट जीन्स इन ऑल इन समर्स. अगर बहुत स्वेटी मौसम है तो चेंज योर अंडरक्लोथ्स ट्वाइस और ड्राई इट बिफोर आई मीन बेसिकली वेयर एयरी क्लोथ्स. ऑल्सो अगर आपने कोई एंटीबायोटिक्स का कोर्स किया है तो आप अपने डॉक्टर को बता सकते हैं कि मुझे बार बार फंगल इन्फेक्शन हो गया तो साथ में वो एक एंटी फंगल ऐड कर सकते हैं. अनदर थिंग इज कि मीठा आप अगर कम करते हैं तो आपका ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्फेक्शन कम हो जाती है. अब नाउ इज दिस इन्फेक्शन कंटीजियस, कैन यू स्प्रेड इट टू योर पार्टनर. ये एक्चुअली सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन नहीं है, अनमैरिड गर्ल्स को भी हो सकती है. लेकिन अगर किसी को इन्फेक्शन है एंड इफ यू आर हैविंग प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स यू कैन ट्रांसमिट इट टू योर पार्टनर एंड द पार्टनर मे ऑल्सो हैव द सेम सिम्पटम्स ऑफ इचिंग और रेडनेस और डिस्चार्ज.